नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार 2018 और 19 में दिए गए, उन सभी पुरस्कारों की सूची इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस वीडियो में जो आपके लिए पुरस्कारों की सूची लाया हूँ, उनसे बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर देना है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पुरस्कारों में बात करते हैं, पहले वर्ष 2018 का मीरा पुरस्कार। तो वर्ष 2018 का मीरा पुरस्कार दोस्तों दिया गया है सवाई सिंह शेखावत को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मीरा पुरस्कार, मीरा के पिता का नाम था रतन सिंह और यहाँ पर 2018 का मीरा पुरस्कार दिया गया है सवाई सिंह शेखावत को। तो दोस्तों, सवाई सिंह शेखावत की कविता का नाम है निज कवि धातु बचाई। तो आप देख सकते हैं, निज कवि धातु बचाई सवाई सिंह शेखावत की कविता का नाम है और उनको 2018 का मीरा पुरस्कार दिया गया है। तो मीरा पुरस्कार कौन देता है? तो मीरा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। तो 2018 का मीरा पुरस्कार सवाई सिंह शेखावत को। आगे हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दो जनों को दिया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं मीरा बाई चानू, जिनको वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन के लिए, और विराट कोहली क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दो जनों को दिया गया है, एक तो मीराबाई चानू और दूसरा विराट कोहली को। अगर आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2018 का इस बार दिया गया है चित्रा मुदगल को। और चित्रा मुदगल की रचना का नाम है दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो चित्रा मुदगल की रचना का नाम याद रखें आप, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, और इनको हिंदी भाषा के लिए 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए चित्रा मुदगल को दिया गया है, और यहाँ पर राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश कुमार व्यास को, उनकी रचना है कविता देवे दीट। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजेश कुमार व्यास और उनकी रचना का नाम है कविता देवे दीट, और इनको 2018 का राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए आप देख सकते हैं चित्रा मुदगल को, उनकी रचना नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203, और राजस्थानी भाषा के लिए राजेश कुमार व्यास को कविता देवे दीट रचना के लिए दिया गया है। तो आगे आप देख सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ पर उसमें पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है विनोद खन्ना को दोस्तों। विनोद खन्ना के मरणोपरांत ये पुरस्कार 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया है, और ये पुरस्कार उनको मरणोपरांत दिया गया है। तो आगे बात करते हैं हम वर्ष 2018 में पद्म श्री से सम्मानित राजस्थानी। तो वर्ष 2018 में पद्म श्री से सम्मानित राजस्थानी कौन कौन है? तो दोस्तों, पद्म श्री से सम्मानित राजस्थानी है नारायण दास महाराज जयपुर और रघुवीर सिंह सिक्कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन पुरस्कार इस पद्म सीरीज में दिए जाते हैं दोस्तों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण में राजस्थानी को पुरस्कार इस बार नहीं मिला है, लेकिन पद्म श्री में दो राजस्थानियों को पुरस्कार ये दिया गया है, इसमें नारायण दास महाराज और रघुवीर सिंह। तो पद्म श्री दोस्तों किसको दिया गया है? तो इनमें दोनों ही भगवान के नाम है पद्म श्री में, एक तो नारायण और एक रघुवीर। तो आप देख सकते हैं पद्म श्री किनको दिया गया है, एक तो नारायण और एक रघुवीर, दोनों ही भगवान के नाम है नारायण और रघुवीर, यानी नारायण दास महाराज जयपुर से इनका संबंध है और रघुवीर सिंह का संबंध है सीकर जिले से। तो 2018 का पद्म श्री से सम्मानित राजस्थानी है एक तो नारायण दास महाराज जिनका संबंध जयपुर जिले से है, और एक रघुवीर सिंह जिनका संबंध सीकर जिले से है। इन दोनों को राजस्थान के पद्म श्री से सम्मानित राजस्थानी है ये 2018 के पद्म श्री से सम्मानित। आगे आप देख सकते हैं मेन बुकर पुरस्कार। तो मेन बुकर पुरस्कार आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और ये अंग्रेजी साहित्य से संबंधित ये मेन
बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2018 का मेन बुकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया है एना बर्न्स, उनकी रचना मिल्क मैन के लिए। तो 2018 का एना बर्न्स जो एक साहित्यकार है उनको दिया गया था मिल्क मैन रचना के लिए। लेकिन दोस्तों अभी अभी 2019 का मेन बुकर पुरस्कार भी दे दिया गया है। आप देख सकते हैं 2019 का मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है जोखा अलहती को। आप देख सकते हैं जोखा अलहती को 2019 का मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है और उनकी पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडीज। तो जोखा अलहती 2019 का मेन बुकर पुरस्कार दे दिया गया है और उनकी रचना का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। और यहाँ पर जोखा अलहती ओमान निवासी है और अरबी भाषा की प्रथम लेखिका है। तो अरबी भाषा के किसी प्रथम लेखिका को यहाँ पर मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है। जोखा अलहती है जो और ओमान की निवासी है और अरबी भाषा की प्रथम है लेखक या लेखिका जिसको ये मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो जोखा अलहती की पुस्तक का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। तो यह महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें दोस्तों, 2019 का मेन बुकर पुरस्कार जोखा अलहती को दे दिया गया है और उनकी रचना का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। तो जोखा अलहती 2019 का मेन बुकर पुरस्कार ओमान निवासी अरबी भाषा की प्रथम लेखिका को दे दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का विश्व हिंदी सम्मान। तो 2018 का विश्व हिंदी सम्मान यानी हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदी सम्मान 2018 का दिया गया दोस्तों मालवी जोशी को। तो मालवी जोशी को 2018 का विश्व हिंदी सम्मान दोस्तों दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 2018 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों दिया गया अजीज प्रेम जी को। आप देख सकते हैं 2018 ने फ्रांस सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अजीज प्रेम जी को दिया है। तो 2018 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अजीज प्रेम जी को। आगे आप देख सकते हैं 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। और अंग्रेजी भाषा के किसी लेखक को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और वो लेखक है अमिताभ घोष। तो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार और इस बार ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया है और वो दिया गया अमिताभ घोष को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1965 से और 1965 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे और पहली बार दोस्तों दिया गया था मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को। जो जी शंकर कुरूप को दोस्तों पहली बार मलयालम भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1965 में ये पुरस्कार देना शुरू किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11,00,000 रुपये और एक कांस्य स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो 2018 का आप ध्यान रखें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। आगे आप देख सकते हैं 2018 का बाल साहित्य का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार। तो 2018 का बाल साहित्य का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया दोस्तों आशा शर्मा का, और आशा शर्मा का संबंध है बीकानेर से। तो बाल साहित्य का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया आशा शर्मा को और आशा शर्मा का संबंध बीकानेर से है और उनकी रचना का नाम है अंकल प्याज। आप देख सकते हैं उनकी रचना का नाम, तो आशा शर्मा की रचना का नाम है अंकल प्याज और उनको बाल साहित्य का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का रांगे रांगव पुरस्कार। तो रांगे रांगव पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा और रांगे रांगव पुरस्कार दोस्तों दिया गया है हरिदास व्यास को और हरिदास व्यास का संबंध है जोधपुर से। तो आप देख सकते हैं रांगे रांगव को पुरस्कार दिया गया हरिदास व्यास को और हरिदास व्यास का संबंध है जोधपुर और हरिदास व्यास की रचना का नाम है दोस्तों एकता पेड़। हरिदास व्यास की रचना का नाम है एकता पेड़ और उनको 2018 का रागे राघव पुरस्कार दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का सुदिंदर पुरस्कार। तो 2018 का सुदिंदर पुरस्कार ये भी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। तो 2018 का सुदिंदर पुरस्कार दिया गया इस बार राम नारायण मीणा को। तो राम नारायण मीणा की रचना का नाम है अभी उम्मीद बाकी है। तो आप देख सकते हैं राम नारायण मीणा की अभी उम्मीद बाकी है कि भाई और भी मैं कविता लिखूंगा और पता नहीं कितनी मैं तरक्की करने वाला हूं। तो राम नारायण मीणा की रचना का नाम है अभी उम्मीद बाकी है, तो अभी उनको उम्मीद है इसलिए इस बार 2018 का उनको सुदिंदर पुरस्कार दे दिया गया है। तो आगे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत रत्न भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार।
तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार। तो भीमसेन जोशी पुरस्कार दोस्तों इस बार दिया गया है पंडित केशव गिंडे को, जो बांसुरी वादक है पंडित केशव गिंडे, और केशव गिंडे को ये भीमसेन जोशी पुरस्कार दोस्तों दे दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, भीमसेन जोशी या जोशी है वो भी पंडित जी थे, और पंडित जी है इधर पुरस्कार पाने वाले पंडित केशव गिंडे, और ये बांसुरी दोस्तों बजाते थे। तो पंडित केशव गिंडे बांसुरी बजाते थे और उनको भीमसेन जोशी पुरस्कार दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का बेलन डी ओर पुरस्कार। तो 2018 का बेलन डी ओर पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है बेलन डी ओर पुरस्कार, और ये दोस्तों फुटबॉल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो बेलन डी ओर पुरस्कार इस बार दिया गया है लुका मोड्रिक को, जो क्रोएशिया निवासी है। आप देख सकते हैं क्रोएशिया निवासी है लुका मोड्रिक, उनको बेलन डी ओर पुरस्कार 2018 का दिया गया है। तो लुका मोड्रिक ने इस बार बहुत सारे गोल किए थे दोस्तों, इस कारण उनको इसमें फुटबॉल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए लुका मोड्रिक दिया गया है। तो ये बहुत लुका था, यानी लुका यानी अपने राजस्थानी भाषा में लुका यानी लुच्चे को कहा जाता है। तो ये लुका मोड्रिक उसको बेलन डी ओर पुरस्कार दिया गया था। आगे आप देख सकते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 का दिया गया जमाल खागोशी को। तो जमाल खागोशी जो सऊदी अरब के पत्रकार थे, इस बार चर्चा में रहे थे, ये दोस्तों लापता हो गए थे सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खागोशी, तो उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका है दोस्तों अपने यूएसए की, कहाँ की है, यूएसए की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिका है टाइम, और टाइम पत्रिका देती है एक अवार्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 का दिया गया जमाल खागोशी को, जो इस बार लापता हो गए थे और सऊदी अरब के पत्रकार थे और काफ़ी चर्चा में रहे थे, इसलिए उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं 2018 का मिस वर्ल्ड, तो आप इसमें देख सकते हैं तीन पुरस्कार मैं आपको बताने वाला हूं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया। तो 2018 का मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है वेनेसा पोंस डी लियोन, मेक्सिको निवासी है वेनेसा पोंस डी लियोन, उनको मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डी लियोन यानी अपने सनी लियोन की बहन ही है ये वेनेसा पोंस डी लियोन, हालांकि बहन तो नहीं है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वेनेसा पोंस डी लियोन, तो डी लियोन को मिस वर्ल्ड, और ये मेक्सिको की है, इसको मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी का पुरस्कार इसको वेनेसा पोंस डी लियोन को दिया गया है। अगर आप देख सकते हैं मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स इसका पुरस्कार दिया गया है कैटरीना ग्रे को, जो फिलिपस निवासी है, तो फिलिपस निवासी कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया गया है। तो मिस इंडिया की बात करें तो मिस इंडिया दिया गया दोस्तों अनुकृति व्यास को। तो भारत में मिस इंडिया यानी भारत की जो सुंदरी होती है वो है दोस्तों अनुकृति व्यास। अगर आप देख सकते हैं स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 का लाइफ टाइम अवार्ड इस बार दोस्तों दिया गया है शबाना आजमी को। आप देख सकते हैं 2018 स्क्रीन अवार्ड, यहाँ पर स्टार स्क्रीन अवार्ड का लाइफ टाइम अवार्ड दोस्तों दिया गया है शबाना आजमी को। ध्यान रखिए स्टार टीवी ने यहाँ पर शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। आगे है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 ये मतलब अपने पशु पक्षी जानवरों से संबंधित जो है दिया जाता है। तो इसमें सोनम कपूर को अपने जानवर पालने के लिए दिया गया, पता नहीं कुत्ते पालने के लिए दिया गया है। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर सोनम कपूर को दिया है 2018 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर सोनम कपूर को। आगे आप देख सकते हैं 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी, तो अपने गांधी जी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनको 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दोस्तों दिया गया। तो याद रखिए गांधी जी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 दिया गया है। आगे बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति और निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इस बार दिया गया है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति एवं निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु दिया गया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार इस बार दिया गया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को।
आगे आप देख सकते हैं सियोल शांति पुरस्कार 2018, तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, और नहीं पता तो बता देता हूँ, सियोल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया है नरेंद्र मोदी को। तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है? अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे आप देख सकते हैं 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो यहाँ पर सियोल पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी को दिया गया था, और चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को ही दोस्तों दिया गया है। आगे बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार दो जनों को दिया गया है, एक तो सोनम वांगचुक को और एक भरत वटवाणी को। आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक और भरत वटवाणी को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। अगर आप देख सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2019, तो भारत रत्न पुरस्कार 2019 दोस्तों तीन जनों को दिया गया है, एक प्रणब मुखर्जी अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति है, एक भूपेन हजारिका जिनको मरणोपरांत दिया गया है, पार्श्व गायक थे भूपेन हजारिका, और एक नानाजी देशमुख है जो सामाजिक कार्य करता रहे हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार तीन जनों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। आगे आप देख सकते हैं नोबल पुरस्कार 2018, बात करते हैं नोबल पुरस्कार 2018, तो फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से नोबल पुरस्कार 2018 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको याद कर ही लेना है। तो नोबल पुरस्कार 2018 में 6 क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो कितने क्षेत्रों के लिए दिया जाता है नोबल पुरस्कार? तो नोबल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों 6 क्षेत्रों के लिए, लेकिन इस बार केवल 5 क्षेत्रों के लिए दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र के लिए इस बार नोबल का पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों, जो साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबल का पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं शांति नोबल पुरस्कार की, तो शांति पुरस्कार दोस्तों शांति के लिए नोबल पुरस्कार डेनिस मुकरेज और नादिया मुराद को। आप देख सकते हैं डेनिस मुकरेज और नादिया मुराद को, तो ये दोस्तों शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था यौन हिंसा के खिलाफ संघर्ष के लिए डेनिस मुकरेज और नादिया मुराद को। तो दोस्तों आगे चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जेम्स पी एलिसन और तासुको होंजो ये दिया गया था कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई एलिसन को हैजा हो गया था, होंजो हैजा, तो एलिसन को हैजा हो गया था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एलिसन और होंजो को ये पुरस्कार दिया गया था, एलिसन को हैजा हो गया था, कैंसर थेरेपी के लिए पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तीन जनों को दिया गया था, हैमिल्टन अर्नोल्ड, सर गेगरी पी विंटर और जॉर्ज पी विस्मिथ, और एंजाइम का विकास करने के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अर्नोल्ड विंटर यानी सर्दियों में इस्मत के पास मिलने के लिए जाता था, तो अर्नोल्ड यहाँ पर देख सकते हैं हेलमेट लगा के, अब इसमें याद रख सकते हैं अर्नोल्ड हेलमेट लगा के विंटर में यानी सर्दियों में इस्मत के पास पीने के लिए जाता था, तो अर्नोल्ड हेलमेट लगा के विंटर में इस्मत के पास पीने के लिए जाता था। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार तीन देख सकते हैं आप, अर्नोल्ड विंटर और इस्मत को एंजाइम का विकास करने के लिए। आगे आप देख सकते हैं भौतिकी विज्ञान में आर्थर अस्किन, गेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड, लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में ये भौतिकी विज्ञान पुरस्कार दिए गए थे, आर्थर अस्किन, गेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड। तो इसमें आप देख सकते हैं गेराल्ड मोरो यानी यानी डोना डोना मोरो अस्किन यानी डोना मेरी इश्क है, अब इस स्किन को ऐसे याद रख सकते हैं डोना मेरी यानी मोरो इश्क है। तो आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आर्थर अस्किन, गेराल्ड मोरो, डोना स्ट्रिकलैंड, डोना मोरो इस्किन अस्किन, तो भौतिक क्षेत्र में डोना मोरो अस्किन, ये लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में विलियम नोडहोर्स और पॉल रोमर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र में विलियम ने पोल खोल दी यानी विलियम नोडहोर्स और पॉल रोमर, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं अर्थशास्त्र की पोल विलियम ने खोल दी, अर्थशास्त्र की पोल विलियम ने खोल दी। तो ये दोस्तों 5 क्षेत्रों में, साहित्य क्षेत्र में दिया नहीं गया था, शांति के क्षेत्र में दोस्तों डेनिस मुकरेज अपने मुराद हो गया था नादिया का, चिकित्सा के क्षेत्र में हैजा हो गया था एलिसन को, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अर्नोल्ड विंटर में स्मिथ के पास जाता था, भौतिक विज्ञान में डोना मोरा इश्क था, और अर्थशास्त्र में विलियम ने पोल खोल दी थी। तो ये पुरस्कार आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आगे आप दोस्तों बात करते हैं
बाड़मेर की हस्तशिल्पी, तो बाड़मेर की हस्तशिल्पी रूमा देवी को वर्ष 2019 का सर्वोच्च नारी शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति कोविंद ने दोस्तों दिया था। तो आप देख सकते हैं बाड़मेर की हस्तशिल्पी रूमा देवी, कौन है रूमा देवी को, उनको 2019 का सर्वोच्च नारी शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया। और रूमा देवी को एप्लिक एम्ब्रॉयडरी कला को पुनर्जीवित किया है। तो रूमा देवी ने एप्लिक एम्ब्रॉयडरी कला को, यानी जो कसीदाकारी और उससे संबंधित एक कला होती है एप्लिक एम्ब्रॉयडरी, उस कला को रूमा देवी ने यहाँ पर पुनर्जीवित किया है। तो उनको 2019 का सर्वोच्च नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं जगदीश पारिक और हुक्म चंद्र पाटीदार को जैविक खेती करने के लिए पद्मश्री दिया गया है। तो जगदीश पारिक और हुक्म चंद्र पाटीदार, याद रखिए आप, जगदीश पारिक और हुक्म चंद्र पाटीदार जैविक खेती के लिए पद्मश्री। और अब बात करते हैं महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की। तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का 37वां कर्नल टोड पुरस्कार, तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन दिया जाता है कर्नल टोड पुरस्कार दोस्तों दिया गया डॉक्टर पॉल टी करोडे को। तो कर्नल टोड पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर पॉल टी करोडे को। मेवाड़ की प्राचीन धातु कला विज्ञान को सम्मान दिलाने के लिए एक विदेशी को सम्मान ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार डॉक्टर पॉल टी करोडे है जिन्होंने मेवाड़ की प्राचीन धातु कला विज्ञान को सम्मान दिलाया है। तो कर्नल टोड पुरस्कार अपने पॉल टी करोडे को दिया गया है। हकीम खां सूर की बात करें तो हकीम का सूर दोस्तों दिया गया सुरेश वाडेकर को। पन्ना धाय अलंकरण दिया गया सुपन देव को। और हल्दी घाटी दिया गया स्वाति को। आप देख सकते हैं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पन्ना धाय अलंकरण दोस्तों दिया गया सुपन देव को। तो देख सकते हैं आप, पन्ना धाय दिया गया सुपन देव को, यानी पन्ना धाय के अपने सपना आया था। सपना किसको आया था, पन्ना धाय को। और आगे देख सकते हैं हकीम का सूर, तो हकीम का सूर अपने सुरेश वाडेकर को दिया गया है। पन्ना धाय को सपना आया था। और हल्दी घाटी अलंकरण दिया गया है स्वाति चतुर्वेदी को, याद रखें आप, स्वाति चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है, स्वाति चतुर्वेदी को। तो स्वाति दोस्तों गई थी हल्दी घाटी, स्वाति चतुर्वेदी कहाँ गई थी, हल्दी घाटी। तो स्वाति चतुर्वेदी हल्दी घाटी गई थी। पन्ना धाय को सपना आया था, हकीम का सूर सुरेश वाडेकर को, और मेवाड़ का कर्नल टोड पुरस्कार डॉक्टर पॉल टी करोडे को। तो दोस्तों ये थे प्रमुख पुरस्कार। इन सब पुरस्कारों के अलावा कोई भी और पुरस्कार नहीं बचा है। महत्वपूर्ण सभी पुरस्कारों को मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया है। और इन पुरस्कारों को आप आराम से दोस्तों याद कर लेना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और ये पुरस्कार इनमें से आपके प्रश्न 100% गारंटी के साथ आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।